गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं कविता सरकार आज मैं आपको कक्षा दूसरी का नैतिक शिक्षा पढ़ाऊंगी। पाठ 9 दयालुता। बहुत वर्षों पहले की बात है, एक राजकुमार था, उसका नाम था सिद्धार्थ। एक दिन वह अपने बगीचे में घूम रहा था, अचानक उसके पास एक हंसा पर गिरा। उसके शरीर में एक तीर लगा था, दर्द के मारे वह तड़प रहा था, उसके शरीर से खून भी बह रहा था। सिद्धार्थ ने उस हंस को उठा लिया, उसके शरीर से तीर निकाला, उसका घाव धोया, फिर उस पर पट्टी बांध दी। तभी उसका चचेरा भाई देवदत्त वहां आ गया और बोला, यह हंस मेरा है, मैंने इसे तीर से गिराया है, इसे मुझे दे दो। सिद्धार्थ बोला, नहीं, यह हंस मेरा है, मैंने इसे बचाया है। दोनों में बहस होने लगी। वे दोनों राजा के पास गए। राजा कोई और नहीं, सिद्धार्थ के पिता थे। दोनों ने अपनी अपनी बात उनके सामने रखी। राजा ने दोनों की बात बड़े ध्यान सुनी और फैसला सुनाया, देवदत्त तुम तो इस हंस को मारना चाहते थे, पर सिद्धार्थ ने इसे बचाया है, इसलिए यह हंस सिद्धार्थ का है। मारने वाले से बचाने वाला श्रेष्ठ होता है। बच्चों, सदैव ध्यान रखो कि अपने दुर्बल, बूढ़े, कमजोर और बेजवान पशु पक्षियों के प्रति दया का भाव दिखाओ। जहाँ तक हो सके दूसरों की सहायता करो। यदि आपका कोई मित्र गरीब है तो उसका मजाक कभी मत उड़ाओ, उसकी सहायता करो, एहसान दिखाकर नहीं, मित्रता के नाते गरीबों या दीन दुखियों की सहायता करो, भगवान भी उनकी सहायता करते हैं। यदि कोई नेत्रहीन, विकलांग या वृद्ध व्यक्ति सड़क के एक किनारे पर खड़ा है तो उससे सड़क पार करने में उसकी सहायता करो और अपनी दयालुता दिखाओ। भगवान ने हमें आंखें दी है, जरा उनके बारे में सोचो जिनके जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है, जो कभी रोशनी के किरण भी नहीं देख पाते। कभी कभी कुछ लोग भूख या गरीबी के कारण भीख मांगने पर मजबूर हो जाते हैं। यदि आप उन्हें कुछ देना ना चाहो तो मत दो, पर उन्हें अशब्द कहना भी ठीक बात नहीं है। कुछ बच्चे पशु पक्षियों को पत्थर आदि मारकर घायल कर देते हैं, ऐसा करने में उन्हें बड़ा मजा आता है, ऐसा कभी मत करो। सभी जीव जंतु उसी ईश्वर ने बनाए हैं, वे भी सुख दुख के उसी तरह अनुभव करते हैं जैसा कि आप करते हैं। इसलिए जीव जंतु पर दया करो, कभी उन्हें पकड़ने का प्रयत्न मत करो, वे स्वतंत्र रहने में ही सुखी रहते हैं, पिंजरे में बंद मत करो। इस पाठ से शिक्षा मिलती है कि हमें पशु पक्षी और दुर्बल दीन दुखियों के उपकी सदैव सहायता करनी चाहिए, उन्हें कभी सताना नहीं चाहिए। यह पाठ समाप्त होता है। इस पाठ से प्रश्न उत्तर खाली स्थान आपको वीडियो के माध्यम से भेज दिया जाएगा, जिसे आपको अपनी कॉपी में लिखना है। थैंक यू।